चैनल से एक बार फिर से गणपति व्लॉग चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। आज बनाए हैं मैंने मिर्ची और नमक के पराठे, और ये तन्नू के लिए हैं क्योंकि हमारा व्रत है। ये गाय की रोटी है और एक पराठा ये सिकरा है। ये है मिर्ची नमक और जीरे का पराठा, बस ये सेक दिया। ये देखो इसके अंदर लेयर बन गई है ऐसे। तो ये हो गया तन्नू का नाश्ता। खा के जाएगी तो ठीक है, नहीं साथ ले जाएगी। और अभी बनाती हूँ लौकी का रायता। ये पड़ा है दही रात को जमाया था, और अब काट कर लौकी का रायता बनाते हैं। तब तक के लिए आप बने रहो ब्लॉग के अंदर। और ये गाय की रोटी है, ये गाय को देने के लिए जब इकट्ठी हो जाती हैं दो तीन रोटियां, तो मैं यहाँ लटका के रख देती हूँ। गाय का जो भी सामान होता है बस यहाँ डाल देती हूँ। अब नीचे जब भी जाऊँगी तो गाय की दे आऊँगी। बाहर हो रही है बहुत तेज धूप, और ये देखो हमारे ग्रीनरी चारों तरफ की। ये देखो इसके फूल वापस आ गए। इस तरह से मौसम, और अभी मैं ये गेट पीछे का गेट खोलने के लिए आई हूँ। इधर से फिर इधर से एंट्री हो जाएगी। ये देखो कदम के फूल आ गए हैं वापस, और फूल आते ही रहते हैं, और इसके इतने चिकने फूल होते हैं कि गिरते ही स्लिप होने के डर रहता है। हम गिर जाते हैं ना फूल, तो स्लिप होने का डर रहता है। तो ये देखो ऐसा कुछ दृश्य है। वाला गेट खोलती हूँ, फिर अंदर चलते हैं वापस। इससे क्या है, हॉल में उजाला हो जाता है थोड़ा सा। हॉल में उजाला हो जाता है तो इधर का गेट खोल देते हैं। ये खुल गया और ये मैं वापस हॉल में आ गई। हवा के लिए हर चीज खाले 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 खाले। ये है मन्नू, और मैं आज मेरी फ्रेंड के घर गई थी तो वहाँ उनके किराएदार का बच्चा है ये, बड़ा ही क्यूट सा। तो मैंने इसका वीडियो बनाया। ये मेरी चाबी छीनने की कोशिश कर रहा है और खुद के वॉकर पे बैठा है। वो कितना प्यारा लग रहा है, कितना क्यूट सा है। अभी मिलाती हूँ मैं मेरी फ्रेंड से, जो मेरे गांव की भी है और सहेली भी है। तो बताती हूँ क्यों गई थी मैं वहाँ पर। तो ये देखो मन्नू कितना प्यारा लग रहा है, क्यूट है। अभी रोने लग गया कि मुझे गोदी ले लो, गोदी ले लो। और क्योंकि ये मुझे नहीं जानता है, मेरे से पहली बार मिला है, तो इसको थोड़ा अनजान सा लग रहा है। ये देखो आज मैं कहाँ गई। ये है मेरी फ्रेंड और बहन अनीता, हम एक तरफ की हैं दोनों, हाय करते। और ये कौन है, गप्पू? मन्नू। मन्नू मन्नू इधर देख, मन्नू मन्नू की मम्मी आ रही है। ये देखो ब्लाउज काट रही है अनीता। हाँ। मन्नू की मम्मी आ गई। मम्मी आ गई। आज मैंने एक ब्लाउज कटवाने के लिए मैं अनीता के पास आई हूँ, मेरे पास ही रहती है, ज्यादा दूर नहीं है इनका घर। तो अभी मिलाती हूँ आपको मन्नू की मम्मी से। गया मन्नू, तो मन्नू की मम्मी आ गई थी तो मन्नू मन्नू को ले गई। इतनी देर खेलेगा मन्नू। ये देखो ये कलर, इसका मेरे को ब्लाउज बनाना है तो मैं इसका कटवाने के लिए आ रही हूँ। ये अच्छा सिलती है तो इससे कटवाने के लिए मैंने कहा कटवा भी लेती हूँ और बातें भी करेंगी। इतनी देर काम जल्दी से लट गया था इसलिए। फ्रेंड्स अभी बैठ गई हूँ मैं मशीन पे, और ये नीचे की जो ग्रिल होती है वो मैंने भर ली है, और मेरे पैर वाली मशीन है ये देखो। और अब इसको धागा पिरो करके इस ब्लाउज को आज मैं सिल लूँगी। देखिए कितना सिल पाती हूँ, क्योंकि तो अभी टाइम हो रहा है 3:30 बजे का, तो देखते हैं कितनी देर में सिल लेंगे। और अच्छा बैठ गया तो फिर इसका मैं फरमा कटवा लूँगी उससे। तो ये है मेरा ब्लाउज की कटिंग, देखते हैं। और
लस्सी नीचे, फिर उसके बाद ये एक साड़ी है इसके फूल लगाऊंगी आज पक्का है, तो इसके फूल लगा दूंगी, ऐसे सोच रही हूँ कि लगा ही दूंगी आज। अब देखते हैं ब्लाउज सिल पाती हूँ या फिर ये इसी का मैच का ऐसा, ये ब्लाउज इस पर मैच थोड़ा सा कर रहा है, पूरी निकाल के दिखेंगे ना, ये देखो यहाँ से पूरा मैच कर रहा है, तो इसको सिल लेती हूँ फिर दिखाती हूँ आपको। ये मैंने स्टार्ट कर दिया ब्लाउज सिलना और थोड़ा सा सिल दिया भी है, वो बस अब ये इतना सिल लिया दोनों तरफ से इतना, और अब इसकी तीरा लगा देती हूँ फिर दिखाती हूँ आपको पूरा कंप्लीट करने के बाद। हेलो फ्रेंड्स, तो बात करते हैं डायरेक्ट बात उसी पॉइंट पे आ जाते हैं जो हम अपने साथ हुआ था, मेरे साथ हुआ था कि डीमार्ट गए थे तो मैं और मेरा बेटा डीमार्ट सामान लेने गए थे, तो हमने पूरा सामान एक जो ट्रॉली होती है उसके अंदर डाल रखा था और काउंटर पे ला के रख दिया था। काउंटर पे लाने के बाद में बिल बन गया, बिल बनने के बाद में मैं पेमेंट करने लग गई और बेटे ने पूरा सामान डाल दिया। उसके बाद मैंने ध्यान नहीं दिया, मैं वीडियो बनाने लग गई बाहर निकल के और ट्रॉली को वहीं रख दिया और आइसक्रीम खाने लग गए। फिर नीचे आए हम बेसमेंट में, तो बेसमेंट में भी मैं वीडियो बनाने लगी क्या क्या सामान लिया, लेकिन उस चीज़ का ध्यान नहीं रहा कि हमने दो तीन सामान और लिया था जो कि इसी बास्केट में टोकरी में नहीं है ट्रॉली में। तो फिर ध्यान देने के बाद दो तीन मतलब 12 अक्टूबर को हमने लिया था, फिर रात को मैंने जैसे लाए थे सामान वैसे वैसे रख दिया था, मैंने कहा सुबह जब पोछा झाड़ू करूँगी उसके बाद उसमें सामान सेट करेंगे। दूसरे दिन बेटा आया और 13 तारीख को कि मम्मी हम अपने एक पार्ले जी का डिब्बा भी तो लाए थे बड़ा वाला, तो मैंने कहा हाँ लाए थे ना, तो बोले कहाँ है, मैंने कहा उसी में होगा, तो देखा तो वहाँ पे पार्ले जी नहीं है, फिर मैंने कहा ये तो मतलब कहाँ गया, तो मैंने कहा हो सकता है गाड़ी में पीछे डिग्गी में बैग लुढ़क गया हो और वो नीचे गिर गया हो, तो वो गाड़ी में देख के आए, बोलो नहीं गाड़ी में। फिर उसके शाम को उसको फिर याद आया कि मम्मी अपन वो भी तो लाए थे दूसरे दिन 14 तारीख को कि नमकीन का पैकेट भी तो लाए थे, एक के साथ एक फ्री वाला सिस्टम था जो, तो मैंने कहा हाँ वो भी लाए थे, वो कहाँ गए। फिर मैंने उसको भेजा, मैंने कहा तू अच्छी तरह से गाड़ी के डिक्की में देख के आ, क्या पता गाड़ी की डिक्की में ही पड़ा हो, तो बोले नहीं है देख के आया। फिर मैंने कहा चलो, फिर बिल भी ऐसा हुआ कि हमने कचरे में डस्टबिन में डाल दिया था उसको, मैं झाड़ू लगाने लगी सामान जमा करके तो उसको कचरे के डिब्बे में डाल दिया। अब वो बोला आया भागा भागा कि मम्मी अपन वो बिल कहाँ है, मैंने कहा वो तो मैंने डस्टबिन में डाल दिया, अगर आज कचरे वाला नहीं आया तो नीचे देख ले आंटी वाले डस्टबिन में सारी सीढ़ियों का कचरा मैं वहाँ ले जाके डाल दी। वो भागा और देख के आया तो बिल उसको मिल गया। फिर हम दोनों गए, इसके पापा को बोला पहले कि भाई ऐसी ऐसी बात हो गई, तो उन्होंने कहा कि अब कोई नहीं देगा सामान, ऐसे कोई सामान मिलता है क्या, तो मैंने कहा चलो उसको मैंने बोला, मैंने कहा एक बार ट्राई कर लेते हैं, मिल जाएगा तो ठीक है, नहीं मिलेगा तो ठीक है, कम से कम पता तो चल जाएगा कि भाई इस तरह से सामान कैमरे में तो आता ही है, मैंने कहा जैसे पता चल जाएगा भाई कोई उठा रहा है या फिर कोई अपन ने खुद नहीं डाला या फिर काउंटर पे छूट गया, ऐसा कुछ तो होगा ही, देखते हैं। तो हम सीधे वहाँ डीमार्ट गए और जहाँ शिकायत लिखी रहती है शिकायत पेटी का कुछ है ऑफिस सा बना हुआ छोटा सा, तो हम वहाँ गए, पूरी उसको डिटेल बताई कि हम ऐसे ऐसे सामान लेके गए थे और ये हमारे साथ हुआ, तो उन्होंने कहा कि आपके पास बिल है, फिर हमने कहा हाँ बिल है, बिल दिखाया और सामान के उन्होंने टिक लगाई, 3 सामान थे दोनों इसमें गायब थे, तो बोला अच्छा ठीक है। फिर मैनेजर को बुलाया, वहाँ पे मैनेजर आया और 12 अक्टूबर का उन्होंने रजिस्टर खोला, तो रजिस्टर के अंदर ये तीनों चीज़ें हमारी एंट्री कर रखी थी, तो उन्होंने हमें बोला कि आप या तो रिफंड ले लें मतलब पैसे वापस ले लें और या फिर आप सामान ले सकते हैं अंदर जा कर के। तो हमने फिर उन्होंने बिल बना के दिया, बिल लेना तो बिल ले लो और बाकी सामान लेना है तो सामान ले, पैसे रिफंड आपके पैसे दे दिए जाएंगे, तो हमने कहा आप रिफंड ही कर दो, तो उन्होंने हमें जितने का हमारा सामान था उतने के हमें पैसे दे दिए। इस बात से मुझे बहुत खुशी हुई कि कम से कम आज भी मतलब ईमानदारी तो है, अगर हम नहीं जाते तो शायद वो पैसे भी नहीं मिलते और हमें पता भी नहीं चलता कि इस तरह से डिमांड से सामान लेते हैं खरीदते हैं और वो वापस भी प्राप्त किया जा सकता है अगर छूट गया तो।
तो इस तरह से अगर अंदर छूट गया तो भी मिल सकता है, अंदर तो मिल ही गया देख लो, अगर बाहर छूट गया तो कम से कम कैमरे की निगरानी में तो रहेगा, हम वहाँ जा करके देख तो सकते हैं कि हमने सामान डाला या नहीं डाला। और ये भी शुक्र मनाओ कि मैं एक यूट्यूबर हूँ, इसलिए मैंने जो वीडियो बनाया उसके अंदर मेरा सामान नहीं था, तो भी हमें पता चल गया कि हमने सामान लिया ही नहीं वहाँ से, ट्रॉली के अंदर, ट्रॉली के अंदर से जब हम गाड़ी बैग में भर रहे थे उस समय वो सामान बैग में नहीं जा रहा था, और ये हमें सब दिख गया था एक वीडियो के माध्यम से, एक छोटी क्लिप बनाई थी मैंने और इससे पहले वाले वीडियो में मैंने वो डाल रखी है। तो इस तरह से हमारा सामान वापस मिल गया, तो इस बात की बहुत खुशी है कि सामान भी वापस मिल गया और ये एक हमारे लिए एक चैप्टर भी हो गया, एक नॉलेज भी मिल गया कि किसी भी तरह से अगर सामान छूट जाता है तो उसको इस तरह से प्राप्त किया जा सकता है। तो आज का वीडियो आपको कैसा लगा मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना, अच्छा लगे तो इसे लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना, और बहुत ही अच्छा लगे तो इसको दोस्तों में, खासकर दोस्तों को बोलना है कि इसको सब्सक्राइब कर लें और चैनल को आगे बढ़ाने में मेरी बहुत मदद करें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।